सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। नियोम सऊदी अरब की तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के जरिए भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज को ना सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इजराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पे रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पे चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहां अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए चलेगा। यानी जो ऑयल 2052 में खत्म होना है, नियोम के लिए वो 2030 में ही खत्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4,500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा, और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजेना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर स्की रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहां 4 घंटे में पहुंच सकती है, और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहां 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ और कुछ हो ना हो, 1,000 एकड़ के एरिया पर फैले आलीशान रॉयल पैलेसेज और रॉयल सुइट्स बनाए गए हैं। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बने और बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घिरे हुए ये महलात सऊदी किंगडम के शाही खानदान की आरामगाह है, जिसमें बजाहिर दिखने वाला ये प्राइवेट गोल्फ क्लब और 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी हैं। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया है, जहां पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। खैर, वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिल वक्त ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर, जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर की कोई एक भी रिवर नहीं है।
1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन्स इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगी। इन सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल है। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर के CEO का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस और डीसेलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजीज के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं ये कॉस्ट सोलर डोम में 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट्स यानी 28 रुपए रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। इस फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स पूरी करने के लिए 100% रिन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशंस ज्यादा बेहतर होती हैं। इसीलिए विंड टर्बाइन्स और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो पॉल्यूशन का बायस बनती हैं। लेकिन ग्रीन अमोनिया या ग्रीन हाइड्रोजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है, इसी वजह से इसके बर्न होने पर नुकसानदेह गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना भी काफी आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होंगी। ये हाई स्पीड ट्रेन्स 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करके सिर्फ 20 मिनटों के अंदर अंदर लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहां हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील्स जमीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी इसी वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को सफर के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है।